भारत में हर साल लाखों लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, कभी ओवर स्पीडिंग के चलते, कभी हेलमेट ना लगाने के चलते, तो कभी इतनी खराब सड़कों के चलते कि लोग ना चाहते हुए भी अपनी जान गंवा बैठते हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, कई नियम बनाती हैं, लेकिन ये सारे के सारे नियम गाड़ी चलाने वाले के ऊपर होते हैं, आम इंसानों के ऊपर होते हैं कि हेलमेट नहीं लगाया तो आपका चालान कट जाएगा, सीट बेल्ट नहीं लगाई तो आपका चालान कट जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी नियम नहीं आया कि जो ठेकेदार उस सड़क को बनाएगा या जिस सरकार में वो सड़क बनेगी वो जिम्मेदार होगा कि ये टूटी फूटी सड़कें आपने बनवाई क्यों है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार, सिस्टम वही है सड़कों का कि सड़कें इतनी खराब है कि लोग ना चाहते हुए भी एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। जब आम इंसान मरता है तब उसके लाइफ की इतनी वैल्यू नहीं रहती है, वो सड़क पर एक्सीडेंट दुर्घटना में मरा और कहानी खत्म। लेकिन जब कोई बड़ा इंसान मरता है तब उसके पीछे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तरह तरह के नए रूल्स निकाले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले साइरस मिस्त्री के जब पाल घर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जो कि कहा जा रहा था कि कुछ 9 मिनट में वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे और 100 किलोमीटर की रफ्तार से वो गाड़ी चल रही थी। जब इतनी रफ्तार में गाड़ी चलेगी तो एक्सीडेंट तो होना ही है, और ऊपर से जब सड़कें खराब हो तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। ऊपर से खबर यह भी आई कि साइरस मिस्त्री पिछली सीट पर बैठे थे, उन्होंने सीट बेल्ट लगाकर नहीं रखी हुई थी, ना ही उस गाड़ी में एयर बैग थे, बल्कि जो महिला गाड़ी चला रही थी उसने सीट बेल्ट लगाकर रखी हुई थी और उसके एयर बैग्स भी टाइम पर खुल गए, जिसके चलते वो बच गई। अब सोचिए, इतने पैसे होने के बाद भी इंसान अपनी जान नहीं बचा सकता है, जिम्मेदार सड़कें होती हैं। तो अब नितिन गडकरी जी ने ये कहा है कि सभी लोगों को हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा, सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा और एयरबैग्स गाड़ी की पिछली सीट पर भी कंपलसरी कर दिए गए। हालांकि सरकार और ये जो कार निर्माता कंपनियां हैं इनके बीच आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। कार निर्माता कंपनियां कहती हैं कि हम ये सब चीजें देंगे तो इंडिया में हम अपनी कार नहीं बेच पाएंगे, बहुत महंगे दामों पर बिकेगी अगर बहुत सारी फैसिलिटीज देंगे। लेकिन यही कार निर्माता कंपनियां जब बाहरी देशों में सुविधा देती हैं तो सभी चीजें उसमें इंक्लूड करके देती हैं, लेकिन इंडिया के लोगों की जान की कीमत नहीं है। अब रोड सेफ्टी को लेकर आप देख ही रहे हैं कि एक टूर्नामेंट चल रहा है क्रिकेट का, इसी तरह से रोड सेफ्टी को प्रमोट किया जा रहा है और अक्षय कुमार एक विज्ञापन में नजर आए हैं। लेकिन अक्षय कुमार को देखकर लोग चिढ़ गए हैं कि अक्षय कुमार की जगह पर किसी और को ले लेते, अक्षय कुमार को क्यों लिया, ये तो बॉलीवुड का है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी हो, ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, ये रोड सेफ्टी का मामला है। अगर कोई भी जिसे आप नफरत भी करते हो अगर वो ये कह रहा है कि भाई रोड सेफ्टी के लिए ये चीजें फॉलो करनी है तो आपको वो चीज फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क आपको पड़ेगा, कीमत आपके जान की है, सरकार सड़कें बनाती है कि नहीं बनाती है ये उनके भरोसे छोड़ दो, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है, सीट बेल्ट लगाना, गाड़ी में एयरबैग्स का होना, सभी सुविधाओं से लैस होना। तो उस रोड सेफ्टी विज्ञापन में दिखाया क्या गया है, रोड सेफ्टी विज्ञापन में अक्षय कुमार जो है वो एक पुलिस वाले बने हैं और एक शादी का सीन चल रहा है जहां पर लड़की की विदाई हो रही है, लड़की गाड़ी में बैठकर रो रही है, तो इस पर उसके पिता कहते हैं कि बेटी रो क्यों रही है, तो अक्षय कुमार कहते हैं कि इसकी कार में एयरबैग्स नहीं है, ऐसे में बेटी रोएगी नहीं तो क्या करेगी। मजाकिया अंदाज के साथ बनाए गए इस विज्ञापन में मैसेज तो अच्छा है, लेकिन लोग अक्षय कुमार से चिढ़ गए। ऐसे लोगों को नितिन गडकरी से भी शिकायत है कि सर आप काम तो अच्छा कर रहे हो, बड़े बड़े हाईवेज बना रहे हो, आपका काम बेहतरीन है, आप अच्छे इंसान भी हो, लेकिन आप ऐसे रूल्स लेकर क्यों नहीं आते जो घरों के बीच में, गांव के बीच में सड़कें हैं, जो टूटी फूटी सड़कें हैं तो गलत तरीके से बनाई जाती है जिसके चलते लोगों की जान चली जाती है, इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हो। उन ठेकेदारों के ऊपर कड़ा से कड़ा नियम नहीं लगाते कि अगर सड़क इतने साल के पहले टूटी फूटी खराब हुई तो सारे के सारे पैसे तुम्हें भरने पड़ेंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आप ये काम कर क्यों नहीं रहे। और इस बात से हम सभी एग्री करते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, यहां पर धर्म का मामला ही नहीं है, या किसी भी पार्टी के समर्थक हो, चीज ये होनी चाहिए कि सड़क टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो, किसी भी सरकार का इस मामले में सपोर्ट नहीं करना चाहिए, वो अच्छा काम करती है तभी सपोर्ट करो।